Tanya, it's because I like you. Always thought of me like this? And for what? मुझे घर वापस आना। जितना ज्यादा उम्मीद उतना गहरा चोट। तुम हर जगह ना वेटलिस्ट में रहना चाहते हो बस। ओके सो हे गाइस, क्या हालचाल है आप सभी का। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सबसे पहले आप बिटमार इंस्टाग्राफेट को इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना और उसको आप बिल्कुल भी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। ओके, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, बिटमार वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर ना एक फ़ोन इम्पोर्ट कर लेना, जो कि आपको अलमेट्रियस वाले फाइल में मिल जाएगा। तो इसका नाम है अलेजा पर्सनल ऐसे कुछ है। तो आपको अलमेट्रियस वाले फ़ोन, मतलब जो फाइल में फ़ोन मिल जाएगा लिंक में, और वहीं पे सॉन्ग भी मिल जाएगा, तो आप देख लेना और इस प्रकार से इसको इंपोर्ट कर लेना। ओके, और आई होप कि आपको फ़ोन इंपोर्ट करना आता ही होगा। तो फ़ोन इंपोर्ट कर लेना, तो जाके बिटमार प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना, ताकि ये फ़ोन इसमें ऑटोमेटिक फ़ोन लग सके। ओके, फिर आपको स्लाइड करके आगे चले आना है और यहाँ पे फोटो एडिट करना है 14.3 सेकंड पे। यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जो भी फोल्डर में आपका फोटो है। और यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद जो भी फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो, सिंपली आपको अपनी फोटो को एड करके ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करना है, कितने बार, दो बार। ओके, फिर यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे ट्रिम कर लेंगे, यानी कि बीच में एक बीटमार्क को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे और अगले वाले बीटमार्क पे जाके ट्रिम करेंगे। ओके, फिर हम बीच वाले जो बीटमार्क को हमने स्किप किया, इस वाले बीटमार्क पे आएंगे और फोटो को सिलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन से फोटो में कट लगा देंगे। ओके, यानी कि एक फोटो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट, एक फोटो का दो पार्ट बना देंगे। ओके, फिर से हम वही करेंगे, दूसरा फोटो को एड करेंगे यहाँ पे आके और यहाँ पे फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे, फिर से इस वाले एरो पे दो बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे और बीच वाले बीटमार्क पे आ जाएंगे और फोटो को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन से फोटो में कट लगा देंगे। ओके, एंड इसी प्रकार से आपको लास्ट तक देख लेना है। एंड गाइस, लास्ट तक जो है ना, इसी प्रकार से आपको जितना भी फोटो एड करोगे उसको दो पार्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसी प्रकार से आपको दो बार एरो पे क्लिक करना है और ट्रिम करना है और बीच वाले बिटमार्क पे आना है। ओके, और फोटो सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन से फोटो में कट लगाना है। तो गाइस, आई होप कि अब जो है ना आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको फोटो एड करना है। ओके, इस बार से ध्यान से, मतलब थोड़ा देखो मैं आपको कैसे फोटो एड करने के लिए बता रहा हूँ। ओके, इसी प्रकार से फोटो में कट लगा देना एंड इस एक फोटो को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं इस प्रकार से सभी फोटो को एड कर लिया हूँ, सिर्फ एक फोटो मेरा बचा हुआ है। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं इसको भी एड कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने वैसा ही किया जैसे मैंने आपको बताया था, एक फोटो को हमने हर एक फोटो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो जैसे आप इतना कर लोगे, अब यहाँ से आपको बैक आना है और सिंपली सेकंड प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो फोटो है ना, पहले वाले फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है और यहाँ से बैक आके बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। अब जैसे आप बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, आपको आगे चले आना है और आगे जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा पहला फोटो रहेगा ना, उस वाले फोटो में हम इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 14 सेकंड पे पहला वाला फोटो में क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे और ये फोटो का जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसको छोड़ देंगे। एंड फिर से हम वही दूसरा फोटो का जो पहला वाला पार्ट रहेगा उसमें पेस्ट कर देंगे एंड फिर तीसरा फोटो का जो पहला वाला पार्ट है उसमें पेस्ट करेंगे। यानी कि हम जो भी फोटो को, मतलब जितना भी फोटो हमने एड किया उसका दो पार्ट बनाया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो सभी फोटो का जो पहला वाला पार्ट है ना, सिंपली आपको उसी वाले पार्ट में इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो आई होप कि आपको जो ना समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, यानी कि आप जो शुरू में यहाँ पे इफेक्ट पेस्ट करोगे ना, यहाँ पे पहला वाला फोटो में, तो यहाँ से एक फोटो छोड़ छोड़ के एक फोटो में पेस्ट कर देना, तो इसी प्रकार से मैच हो जाएगा। ओके, तो मैं बहुत सारे तरीके आपको बता देता हूँ सब कुछ का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। एंड इसी प्रकार से लास्ट हम पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ से बैक आएंगे एंड से इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे और जो सेकेंड नंबर का इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने बाद फिर बैक आएंगे एंड बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आगे जाएंगे और जो हमारा फोटो का दूसरा वाला पार्ट है, जो कि बचा हुआ है, जिसमें हमने इफेक्ट नहीं पेस्ट किया है, उस वाले पार्ट में इस वाले इफेक्ट को हम सिंपली पेस्ट कर देंगे। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड इस प्रकार से लास्ट तक जो है ना आपको पेस्ट कर देना, जितना भी फोटो बचा हुआ है सभी फोटोज़ में आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ओके, तो जल्दी मैं यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट कर लेता हूँ।
ओके सो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फैट पेस्ट कर लेना और मैंने कर दिया। अब यहाँ से आपको बैक आना है और सेकंड फैट प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट अ लेयर करना है। नीचे से दोनों इमेज को अनटिक करके आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कॉपी फोर लेयर कर लेना है एंड बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और शुरू में ही आपको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना है। ओके एंड सेलेक्ट करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है और ऊपर का जो चार लेयर है इसको सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका जो लेंथ है वो लास्ट तक कर देना है। अब जैसे आप इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कम्प्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। तो वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा लेग कर रहा है मेरे फोन में, 12GB रैम है फिर भी लेग कर रहा है, तो आपके फोन में लेग करेगा, आप लोग टेंशन मत लेना। ओके सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करके अपने क्वालिटी को सिलेक्ट कर अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, तो उसका जो आपका लेगिंग है वो खत्म हो जाएगा। ओके तो वीडियो सेव होने के बाद लेग नहीं करेगा, सिर्फ अलाइट मोशन में ही लेग करता है बिकॉज अलाइट मोशन APS है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।